भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है, जहां पर टीम इंडिया के पास इस बार मौका है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का। लेकिन उससे पहले आज सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को दुखी करके रख दिया। जी आपको बता दें कि भारतीय टीम के नए युवा ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ को एडी में चोट आई है और पहले टेस्ट मैच से उन्हें बाहर कर दिया गया है। ऐसे में फॉर्म में नहीं चल रहे केएल राहुल और मुरली विजय क्या ओपनिंग करेंगे, इस पर भी सवाल उठ रहा था। ऐसे में खबरों की माने तो टीम मैनेजमेंट ये मन भी बना रही है कि रोहित शर्मा को एक बार ओपनिंग के लिए ट्राई किया जा सकता है। वैसे भी 6 नंबर में टीम इंडिया के लिए कई प्रबल दावेदार हैं और रोहित शर्मा की फॉर्म को देखते हुए लगता है कि उन्हें टीम में रखना जरूरी है। 6 नंबर पर अगर रोहित की जगह नहीं बनती है तो हो सकता है कि रोहित केएल राहुल के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए, लेकिन अगर मुरली विजय और राहुल ओपनिंग करते हैं तो रोहित डाउन द ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।